लेकिन शोमित, बीजेपी का और उन तमाम नेताओं का तर्क ये भी तो है, उसका फिर क्या जवाब है कि ये सब भ्रष्टाचार तो उन्हीं के कहने पर हुआ जिनका वो नाम ले रहे हैं? ये सारा भ्रष्टाचार किसके लिए किया गया जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे? देखिए, पिछले 2014 साल से 2014 से जब से ये बीजेपी का गवर्नमेंट आया है ना, तब से सीबीआई और ईडी को लेकर बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी कभी सरदा कभी नर्दा, इसको कभी शामित, ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए क्योंकि टीएमसी तो पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी अपने इन तमाम नेताओं को। इन तमाम नेताओं को आप कह चुके थे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। तो पहले टीएमसी अगर क्लीन चिट दे चुकी है नेताओं को, आप बीजेपी में जा रहे हैं तो क्लीन चिट तो बाकी रहेगी ना, आप क्लीन चिट वापस थोड़ी ले लेंगे कि हमारे हमें छोड़ गए तो अब ये साफ नहीं रहे। वापस आऊंगे आपके पास, एक बड़ी खबर ले लेते हैं। विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं। विवेक, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेदनीपुर रैली से बीजेपी ने ममता बनर्जी को जोरदार झटका दिया है। शुभेंदु अधिकारी के समेत कई एमएलए टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमित शाह ने पार्टी का झंडा देकर बीजेपी ज्वाइन कराया है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी ने रैली में सबसे पहले लोगों को संबोधित भी किया। तो शुभेंदु अधिकारी को अहमियत दी गई आज, जिस तरह से उन्हें शामिल कराया गया और सबसे पहले उन्होंने संबोधित किया। उनके हाथ में देखिए झंडा देते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। इस तरह से ज्वाइनिंग कराई उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में। बीजेपी में शामिल होते ही सबसे पहले ममता पर बरसे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। मोदी जी करेंगे बंगाल का सपना पूरा, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने। और साथ ही उन्होंने जो कुछ टीएमसी में घट रहा है उस पर भी अपने विचार रखे और किस तरह से बदलाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी लेकर आएगी उसके बारे में बात की। ये तो पहले ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही जैसे ही उन्होंने अपनी बात सामने रखनी शुरू की, उसमें सबसे पहले उन्होंने ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आप वहां मौजूद थे, जिस तरह की ये रैली थी और जो कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया जाएगा और ये बात भी चर्चा में थी कि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी एक बड़ा मौका है ये अपनी ताकत को दिखाने का। बीजेपी तो दिखा ही रही है अपनी हुंकार को, अपनी ताकत को, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ताकत दिखाएंगे, अपना प्रभाव, अपना असर दिखाएंगे। तो क्या वो असर, वो प्रभाव आज दिखाई दिया? बिल्कुल दिखा सुमेरा, और बंगाल की राजनीति में मैसेज और माहौल का खेल होता है। माहौल पहले से बना चुका था और मैसेज आज दे दिया गया कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। और जो तस्वीरें आपने देखी टीवी चैनलों ने देखी, उससे इतर तस्वीरें मैंने मिदनापुर की सड़कों पर देखा है सुमेरा। और आपको यकीन नहीं होगा कि जितनी भीड़ उस ग्राउंड में थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी डबल भीड़ मिदनापुर की सड़कों पर। लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में सड़कों पर लोग घूम रहे थे, कोई रास्ता भटक रहा था, पुलिस कहीं किसी को डाइवर्ट कर रही थी, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, ग्राउंड फुल हो चुका था, लोग बाहर आ रहे थे, इतनी सॉकोफेशन हो रही थी वहां पे। तो आप समझिए कि स्थिति कैसी रही होगी। तो जो माहौल है इस समय बंगाल में, उसको लेकर एक बड़ा संदेश इस भीड़ ने दे दिया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। और आपको जमीन की मैं बात बताऊं, मैं लगभग 23 दिन के साथ मैं कह सकता हूं जिस बात का दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, वो आज इस रैली में पूरा दमखम लगाया गया और वो असर दिखाई भी दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।